सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ITUP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड इस महीने लॉन्च होने वाले हैं, इस महीने के एंड वीक में, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में। गाइस, इसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मैंने फिर से उन्हीं के जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट हेल्पलाइन नंबर जो है 0112436948382 ये दोनों इनके नंबर हैं, कोई भी किसी भी समय लग जाता है। तो गाइस, आज मेरी उनसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, जो मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन मिली गाइस उसके बिहाफ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि सर इतने समय से एडमिट कार्ड क्यों डिले हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। तो गाइस, उन्होंने हमें ये बताया था कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं एंड कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इस कारण एडमिट कार्ड में थोड़ी सी देरी हुई है। और गाइस, उनसे मैंने पूछा सर कि आप फाइनल डेट हमें बता दीजिए कि एडमिट कार्ड कब तक हो जाएगा। तो गाइस, उन्होंने जैसे हमें कहा उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। गाइस, उन्होंने कहा था डिले होने की वजह थी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कुछ कारण थे डिपार्टमेंटल के, कुछ कारण थे, रीजंस थे, और एडमिट कार्ड के रिलीजिंग डेट उन्होंने हमें बताई गाइस अगस्त के लास्ट वीक में, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव। उन्होंने कहा अगस्त 20 से 25 तक कोई भी एडमिट कार्ड किसी भी पोस्ट का अपलोड नहीं होगा, क्योंकि कुछ इनकी अपने इश्यूज हो सकते हैं। गाइस, उन्होंने कहा 15 अगस्त के बाद ही जो भी कुछ भी कार्रवाई होगी 15 अगस्त के बाद ही होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगस्त के लास्ट वीक में, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में 110% एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। बकायदा आपको एक ईमेल आएगा और साथ में आपको एक मैसेज भी आएगा कि अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लें। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, सभी के एडमिट कार्ड सेम नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे, अलग अलग दिन आएंगे, किसी का आ जाएगा, किसी का कल आएगा, किसी का परसों आएगा, कि सभी का साथ में नहीं आता, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये थी कारण दोस्तों देरी होने की, ये कारण थे कि कुछ डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, उस कारण ये एडमिट कार्ड हमें नहीं भेज रहे थे, डिले कर रहे थे। तो गाइस, उनसे हमने ट्राई करने की कोशिश की कि सर क्या रीजंस थे, लेकिन उन्होंने हमें बताने से इनकार कर दिया कि क्या रीजन थे। हो सकते दोस्तों कोई इनके अंदरूनी रीजंस हो जो हमें वो बताना नहीं चाहते हो, इसलिए उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने ये फाइनल डेट दे दी। उन्होंने हमें ये भी कह दिया कि भाई इसके अलावा हम सब आपको कुछ नहीं बता सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि अगस्त के लास्ट वीक में, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको फॉर श्योरली आपको एडमिट कार्ड हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे, अपना आप लॉगिन करके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा जिन बच्चों के ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि गाइस अपना समय बर्बाद ना करें, अभी बहुत समय मिल रहा है आपको, तैयारी रखें आप एडमिट कार्ड आने की, देरी का एडमिट कार्ड आने का आप वेट मत करें कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा तभी मैं एग्जाम दूंगा। आपको तो पता है यार, आपका स्किल टेस्ट क्लियर है तो एडमिट कार्ड तो आना है, आज नहीं तो कल तो आना ही आना है एडमिट कार्ड, तो क्यों आप इतनी देरी लगा रहे हो, ठीक है। एडमिट कार्ड आना है सितंबर के फर्स्ट वीक में, नहीं तो अगस्त के लास्ट वीक में एडमिट कार्ड आएगा, जैसे कि आपको मैंने कहा था वही डेट दोस्तों एडमिट कार्ड आपका आएगा। मानता हूँ कि गाइस आप मुझे कहोगे कमेंट सेक्शन में, कुछ मुझे गलत भी कहोगे, क्योंकि कोई इंसान जो सही काम करता है उसको गलत कहने वाले बहुत होते हैं, उसके पीछे गलत बहुत होता है, ठीक है। तो गाइस, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि जुलाई के लास्ट वीक में आएगा, दोस्तों आना था जुलाई के लास्ट वीक में ही आना था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, कुछ डिपार्टमेंटल इशू हैं, उसमें मैं आप क्या कर सकता हूँ गाइस, आप खुद बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई डिपार्टमेंट का बंदा थोड़े ना हूँ यार कि मैं एडमिट कार्ड मैंने डालने, मेरे हक में होता तो मैं एडमिट कार्ड स्टेटस से अगले दिन ही डाल देता, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं, कुछ इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस कारण दोस्तों ये नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इनके ऑफिशियली वर्क में देरी हो जाती है, कई काम देर से होते हैं, उस कारण थोड़ा सा एडमिट कार्ड में डिले होता है। तो घबराने की बात नहीं है, एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा, सबसे पहले दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा और चैनल को आप घंटी आइकन जरूर दबा लेना सब्सक्राइब बटन के साथ में, ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंचे कि मेरी एडमिट कार्ड की कि एडमिट कार्ड लॉन्च हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट देनी थी गाइस, अपना समय बर्बाद ना करें, अभी तैयारी करते रहें। गाइस आपको पता है यार आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई, आप खुद बताइए, समझदार हो आप, आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड है तो आपको पता है एडमिट कार्ड आना है, अवश्य आना है, मेरा काम है आपको पल पल का अपडेट देना कि एडमिट कार्ड की स्थिति क्या है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस। मुझे नहीं मतलब, ये मैंने सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाई थी, मेरा कोई इसमें कोई आपको गलत मतलब नहीं है गाइस। मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में काफ़ी गलत कमेंट्स आएंगे, और गाइस देखिए इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है, मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको पसंद है अच्छी बात है, अमल करोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं करोगे तो तब भी आपका फायदा, गाइस मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने रियल इन्फॉर्मेशन देनी जो मैं आपको हर बार देता ही हूँ,
ओके तो गाइस ये छोटी सी अपडेट देनी थी आपको मैंने आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड के बारे में कि इसके एडमिट कार्ड लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में किसी भी हाल एडमिट कार्ड लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट डेट उन्होंने मुझे दे दी हुई है, उन्होंने कहा 15 अगस्त के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी 15 अगस्त के बाद ही होगी। तो गाइस मेरा कम से कम ये 2 या 3 मिनट उनसे लगातार मेरी बात हुई थी, ठीक है। इनके दोस्तों जहाँ से बात करते हैं ऑपरेटर जो बात करते हैं दोस्तों ये बात करते हैं आपके दिल्ली से दिल्ली में दोस्तों इनका सेंट्रल है तो वहीं से इनकी बात होती है गाइस, ठीक है। तो आपको मैं इनके जो ऑफिशियल नंबर रिक्रूटमेंट हेल्पलाइन नंबर गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। और हम वेट कर रहे हैं गाइस अभी आरटीआई का कि आरटीआई का रिप्लाई क्या आता है, लेकिन गाइस रिप्लाई में दोस्तों यही आएगा कि वेट करना पड़ेगा। और यार वेट कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आप एडमिट कार्ड का मत सोचिए कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा तब मैं पढ़ूंगा। दोस्तों 5-6 दिन 7 दिन में आप कुछ नहीं पढ़ सकते, क्या उखाड़ लोगे आप 5-6 दिन में? आप जो 2-3 महीने नहीं उखाड़ पाए तो 5-6 दिन में आप क्या कर लोगे गाइस, ठीक है। तो ये है कि दोस्तों कमेंट्स में मुझे पता है कि मुझे कमेंट्स में काफ़ी कुछ लोग होते हैं जो गलत कहते हैं, कहीं सही इंसान को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है गाइस, मैं सही काम कर रहा हूँ और जो मेरे सब्सक्राइबर वो जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ कैसा काम करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है इसमें, ठीक है। डिले होने का कारण दोस्तों मैंने आपको बता दिया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे, उनके कुछ कारण थे, उस कारण से एडमिट कार्ड डिले हो रहा था, लेकिन दोस्तों ये फाइनल डेट उन्होंने मुझे दे दी हुई है और हम आशा करते हैं आपको हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगी गाइस, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देते हैं, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, जय हिंद एंड जय भारत।